आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, हो दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओहो, आई लव बिग बॉस। मैं ऐसे ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं अपने मॉम को देख रही थी और मैं अपनी बहन को देख रही थी। मैं चाहती थी कि मैं बस उन्हीं को देखूं, और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और उनको देख के इतनी खुश थी। एंड दैट्स जस्ट माय वे ऑफ टेलिंग देम के वी डिड इट, एंड आई डिड दैट क्योंकि द वन अबव ऑलमाइटी अल्लाह, उनके बिना मैं कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक बिलीफ रखा कि हाँ, मैं जीत सकती हूँ, एंड मैं सिर्फ दुआ करती थी और बोलती थी कम ऑन अल्लाह। तो मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी हम्बल्ड और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया, चाहे वो एक किया या 100 या 1,000। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ द लव दैट इज़ मेड मी विन। सो थैंक यू सो मच। यू थिंक अभी तक मुझे उस 50 लाख के बारे में सोचने का भी वक्त मिला है? मैं अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देके आ रही हूँ, एंड मैं अपनी बहन से तक नहीं मिल पाई हूँ, बेचारी वैन पे वेट कर रही है। तो जब मैं 2-3 दिन आराम से सो जाऊँगी, फिर उठ के सोचूँगी कि क्या करना है। शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे और कुशाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। कि हाँ, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, फीलिंग्स हैं, लेकिन बोलना नहीं है। नहीं नहीं यार, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए। मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी। मैं घर में रह के आई हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं चाहूँगी कि उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो। जब भी मैंने तनीषा का नॉमिनेशन दिया था, मैंने हमेशा ऐसे ही बिगिन किया था कि एक वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उनका मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, और ठीक है, मुझसे नहीं बनी, नहीं बनी, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की है, एंड आई विश हर वेल। एंड अगर मैं बाहर उनको कहीं मिलूँगी तो मैं कॉर्डियली ही मिलूँगी। रोमियो एक सॉफ्ट टॉय है। कौन सा वाला रोमियो? अच्छा, एजाज बोलिए ना, मैं तो उनको एजाज की तरह जानती हूँ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं घर के अंदर थी, मुझे पता है कि मैं, और उन्होंने कबूल भी किया है कि मैंने खान साहब को यूज़ किया आने के बाद। यूज़ गलत टर्म होगा शायद, उन्होंने मेरी दोस्ती बनाई ताकि वो अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखा सकें, जैसे वो हर बार ऑडिशन देते थे कैमरे में देख देख के, और कबूल भी करते थे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। तो एजाज खान एक अच्छे इंसान हैं, और बहुत एंटरटेनिंग है, और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सैटरडे मेरा बिल फाड़ते थे और पूरा हफ्ते मेरे साथ अच्छे से रहते थे, तो ये मुझे समझ में नहीं आता था। बट ही इज़ अ गुड गाय एंड आई विश हिम वेल। खुशहाल के साथ क्या स्पेशल प्लान्स है? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अभी तो मैं निकली हूँ, मेरी बहन मुझे वहाँ खड़े रह के बोल रही है मुझे भूख लग रही है, मुझे वो भी नहीं पता कि मैं उसको क्या ऑफर करूँ। और अभी भी पता चला कि पुलिस आई थी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स के लिए, आप जी उसके बाद बट आई हो, कितना सही है मतलब? वो सब जुडिस है, मैं उसके बारे में कॉमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पुलिस आई थी स्टेटमेंट के लिए अभी? वो तो चल ही रहा है ना बाहर, आप लोग को तो सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता अंदर बैठ के, आप तो सब जानते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं फॉरएवर शुक्रगुजार रहूँगी, इंडेटेड रहूँगी हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया। आई अप्रिशिएट सबका प्यार, सबकी बेस्ट विशेस, बहुत 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 शुक्रिया। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, हो दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओहो, आई लव बिग बॉस।